हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोसी स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, कल मैंने आप सभी को एक हेल्पलाइन नंबर का लिस्ट दिया था, जिस पर आप सभी बोले कि इस नंबर पे कॉल नहीं लग रहा है और या फिर रिस्पांस नहीं आ रहा है। तो दोस्तों, इसके लिए बिहार सरकार ने नया हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। टोटल 40 नंबर जारी किया है बिहार स्टेट के लिए, और साथ ही साथ यदि आप देश के किसी भी कोने में हैं या फिर किसी अदर स्टेट से हैं तो आप रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से रजिस्ट्रेशन हो रहा है। आप कॉल से भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और साथ ही साथ ऑनलाइन भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको पूरा प्रोसेस बताएंगे कि कैसे आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करना है यदि आप ट्रेन से घर वापस आना चाहते हैं, देश के किसी भी राज्य में फंसे हुए हैं, तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए। दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके तरह बहुत सारे और भी प्रवासी स्टूडेंट या फिर छात्र जो भी हैं वो फंसे हुए हैं, तो उनको भी हेल्प मिल सके। जैसे आप फंसे हुए हैं, कोई आपके तरह और भी मुसीबत में फंसे हुए हैं, इसलिए इस वीडियो को लाइक करने के बाद शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। हमारे नए साथी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और साथ ही साथ घंटी दबा लीजिए। दोस्तों, यदि आप बिहार के प्रवासी हैं, किसी भी स्टेट में, इस देश के किसी भी स्टेट में फंसे हुए हैं, तो आप इस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आप सभी का कमेंट आया कि इस नंबर पर जो है कॉल नहीं लग रहा है, ठीक ना, तो इसके लिए जो है दोस्तों बिहार सरकार ने स्पेशल नंबर जारी किया है। चलिए वो नंबर हम आपको दिखा देते हैं। जब वो दोस्तों पहले वाला नंबर पे कॉल नहीं लग रहा था, तो इसके लिए बिहार सरकार ने नया हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। टोटल 40 नंबर जारी किया है। पूरी वीडियो को देखिए, आपको पूरी जानकारी मिलेगी। यहाँ पर देखिए दोस्तों, बिहार के लोग जो बिहार के हैं और अन्य राज्य में काम करते हैं और लॉकडाउन के कारण अगर फंसे हुए हैं, तो आप इस हेल्पलाइन नंबर पर कंट्रोल रूम पर फ़ोन कर सकते हैं आपदा प्रबंधन विभाग को। 0612 कोड यूज करना है, उसके बाद ये मोबाइल नंबर 0612 कोड यूज करना है, उसके बाद ये नंबर कॉल कीजिए। अगर इस पर कोई भी रिस्पांस नहीं मिलता है तो आप न्यू हेल्पलाइन नंबर, जो ये जो है दिल्ली के हेल्पलाइन नंबर को जारी किया गया है, यानी कि बिहार का कार्यालय है जो दिल्ली का है, तो यहाँ पर इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। इसके लिए कोड 011 यूज करना है, उसके बाद मोबाइल नंबर 011, उसके बाद ये नंबर 011, उसके बाद ये नंबर, तीन नंबर जारी किया गया है, 3 2 5 नंबर, पाँच नंबर पे आप कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। अगर मान लीजिए दोस्तों, अगर आप एक स्टूडेंट हैं, अन्य राज्यों में लॉकडाउन की वजह से फंसे हुए हैं, तो इसके विशेष सहायता के लिए दोस्तों दूसरा हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है 0612। इस नंबर को डायल कीजिए, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपका विशेष सहायता यहाँ पर किया जाएगा। उसके बाद दोस्तों, बिहार राज्य में अगर आप अन्य स्टेट से हैं, किसी दूसरे स्टेट से हैं, बिहार में फंसे हुए हैं, तो दोस्तों आपके लिए जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म जारी किया गया है, जो कि बिहार के लिए मोबाइल नंबर जारी किया गया है, और जो अदर स्टेट के हैं, बिहार में फंसे हुए हैं, उनके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन वेबसाइट जारी किया गया है। चलिए हम आपको बताते हैं कि आप कैसे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करेंगे, और सभी डिस्ट्रिक्ट के लिए अलग अलग मोबाइल नंबर जारी किया गया है, वो भी हम आपको बताते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हम उस वेबसाइट को ओपन कर लिए हैं। वेबसाइट को ओपन करने के बाद दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं राज्य एवं जिला हेल्पलाइन फोन नंबर, तो आपको क्या करना है, इस पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपका ये पीडीएफ ओपन हो जाएगा। यदि आप बिहार के वासी हैं, किसी भी स्टेट में फंसे हुए हैं, तो आप अपने ज़िला के हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। यहाँ पर 38 नंबर जो है जारी किया गया है सभी डिस्ट्रिक्ट के लिए अलग अलग। पूरी वीडियो को देखिए, यहाँ पर हम आपको जूम करके दिखा देते हैं। यदि आप पटना के हैं, कहीं पर भी फंसे हुए हैं इंडिया के किसी भी कोना में, 612 कोड यूज कीजिए, उसके बाद ये नंबर डायल कीजिए, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और आप ट्रेन से यात्रा करके आप अपने घर वापस लौट सकते हैं। नालंदा डिस्ट्रिक्ट के हैं तो 0611 2 इस नंबर पे कॉल कीजिए, कोड का यूज करके आपका पूरा सहायता किया जाएगा। दोस्तों, पहले तो एक स्टेट के लिए मात्र एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया था, जिसके कारण बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आ रहा था और नंबर कभी ऑफ बता रहा था या फिर कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा था।
अब दोस्तों 38 जिला है, तो 38 नंबर ये हो गया, 5 नंबर पहले जारी किया है। तो इस तरह से अभी जो है टोटल जो है 43 नंबर जारी किया गया है। इससे पहले जो नंबर जारी किया गया था वो तो है ही, इसके बाद ये नंबर भी जारी किया है। 50 हेल्पलाइन नंबर दोस्तों इस तरह से जारी कर दिया गया है। यहाँ पर आप जिस डिस्ट्रिक्ट से भी हैं उस नंबर पे आप कॉल कीजिए, उसके बाद आप अपना मोबाइल नंबर और आधार कार्ड नंबर, आप कहाँ से हैं पूरा डिटेल आप पहले से रख लीजिए लिख करके। वहाँ पर वो डिटेल मांगा जाता है, क्या क्या डिटेल मांगा जाता है वो भी हम आपको बता देते हैं। तो सबसे पहले आप डिटेल अपने पास रखिए, उसके बाद इस नंबर पे कॉल कीजिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर भी देख लीजिए, जूम कर देते हैं, सभी डिस्ट्रिक्ट का दिया हुआ, ऐसा नहीं कहिए कि मेरे डिस्ट्रिक्ट का नहीं है दिया हुआ। तो हम यहाँ पर जूम कर दिए हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद दोस्तों इसके अतिरिक्त जो है आपदा प्रबंधन विभाग में नियंत्रण कक्ष भी कार्यरत है, तो इसके लिए आप इस नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं, राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र पटना, तो पटना भी आप कॉल कर सकते हैं। लेकिन आप कोशिश कीजिए डिस्ट्रिक्ट वाला नंबर पे नहीं लगता है तब आप इस नंबर पे कॉल करें। दोस्तों इसके बाद हम बैक आ गए हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो है कुछ नंबर यहाँ पर जारी किया गया है। अब आपको मान ली कि रजिस्ट्रेशन करना है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है, तो यहाँ पर देखिए बिहार राज्य में फंसे हुए लौटने के इच्छुक अन्य राज्यों के लोगों के लिए पंजीकरण हेतु यहाँ पर लिंक दिया गया है। यानी कि आप किसी अदर स्टेट से हैं और बिहार में फंस गए हैं तो आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो चलिए इस पर हम क्लिक करते हैं। इसके बाद देखिए दोस्तों बताया जा रहा है वैसे व्यक्ति जो लॉकडाउन के कारण बिहार में फंसे हुए हैं एवं जो अपने गृह राज्य जाना चाहते हैं, वो व्यक्ति इस पोर्टल के माध्यम से अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, अपना डिटेल भरना है और जो कॉल भी करेंगे बिहार के लिए तो उनको देखिए सेम डिटेल जो है भरना पड़ेगा, क्योंकि आप अगर पहले से लिख करके रख लेंगे उसके बाद फ़ोन पर कॉल करेंगे तो आपको सुविधा होगी। तो यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए आप कहाँ पर फंसे हुए हैं। तो दोस्तों ये बिहार के लिए है, तो यहाँ पर जो है बिहार में आप फंसे हुए हैं, तो यहाँ पर आप स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट, अगर मजदूर हैं तो श्रमिक को यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए। तो बिहार में फंसे हुए हैं आप, मजदूर हैं, आप अपना नेम डालिए, आप अपना एज डालिए, पुरुष डालिए, जो भी है मेल फीमेल, मोबाइल नंबर ज़रूरी है, जो नंबर आपके पास है वही नंबर डालिएगा, ऐसा नहीं कि आप घर के मोबाइल नंबर को डाल दीजिए आपके पास वो रहेगा ही नंबर नहीं, तो गलती हो जाएगा ऐसे में। यात्रा करने की संभावित तिथि यहाँ पर डाल दीजिए। इसके बाद दोस्तों बिहार राज्य में जहाँ रह रहे हैं वो डिस्ट्रिक्ट डाल दीजिए, जैसे कि यहाँ पर हम मान लें कि अररिया में फंस गए हैं तो अररिया यहाँ पर डाल लेंगे। इसके बाद ब्लॉक डालिए, आपके साथ कोई और व्यक्ति बाहर जा रहे हैं बिहार से तो आप वो भी डाल दीजिए, यस कीजिए। आप किस वाहन से यात्रा करेंगे, तो यहाँ पर दोस्तों ट्रेन चलाई जा रही है या निजी या सरकारी, तो आप इस तरह से इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर सरकारी ही सिलेक्ट कीजिए अगर आप ट्रेन से यात्रा करना चाहते हैं, क्योंकि ट्रेन में से जो है बहुत यात्री बिहार आए हैं तो बिहार का ट्रेन जो है फिर से वापस जाएगा, तो बिहार सरकार का कहना यह है कि वो ट्रेन खाली नहीं जाए, जो बिहार में फंसे हुए हैं उसको अदर स्टेट छोड़ा जाए। तो उसके बाद यहाँ पर पूरा डिटेल भर दीजिए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर शहर डाल दीजिए, आपको कहाँ जाना है अब यहाँ पर वो डालना है। अब मान लिए कि बिहार से हमको असम जाना है, असम डाल दिए। इसके बाद असम में किस डिस्ट्रिक्ट जाना है वो डाल दीजिए और अपना शहर डाल दीजिए। उसके बाद क्या आप पहले भी यहाँ पर देख सकते हैं क्वारंटाइन कैंप में रहे हैं, नहीं रहे हैं क्वारंटाइन में तो आप नो कीजिए। मैं यह घोषणा करता हूं या करती हूं इस फॉर्म में भरे मेरे द्वारा भरा गया जो भी जानकारियां हैं वो सही है। उसके बाद सबमिट पर क्लिक कर दीजिए। इससे होगा क्या कि आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और आपका ये लिस्ट जो है तैयार हो करके आपके राज्य भेजा जाएगा, ठीक ना, और वहीं प्रति जो है रेलवे को भी भेजा जाएगा और आपको मैसेज आएगा इस नंबर पर जो नंबर अभी रजिस्ट्रेशन करवाए हैं, तो आपका जो है टिकट कन्फर्म होगा और आपको दो दिन पहले मैसेज आएगा, इस तरह से आप यात्रा कर पाएंगे। तो दोस्तों इस तरह से आपको हम एक और जानकारी दे देते हैं।
दोस्तों ये लिस्ट जो आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं जो ट्रेन अब तक चल चुकी है उसके बारे में दिया गया है, जैसे कि जयपुर पटना स्पेशल ट्रेन जयपुर यानी कि जयपुर से चली थी 1/5 यानी कि 1 मई को चली थी। उसके बाद देखिए दोस्तों ये दानापुर आई थी 2 मई को, और कितने बजे कौन सा ट्रेन खुली थी, कहाँ से खुली थी, कहाँ पर कितने बजे पहुँची है, ये जो है लिस्ट जारी किया गया है। इस तरह से ये सभी ट्रेन वापस जब लौटेगी, राजस्थान हो या बंगलोर हो या फिर कोटा हो या फिर कहीं और जयपुर हो, तो इस ट्रेन के माध्यम से जो बिहार में फंसे हुए हैं अदर स्टेट के उनको वापस भेजा जाएगा। इसलिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन लिया जा रहा है और मोबाइल नंबर के माध्यम से भी रजिस्ट्रेशन लिया जा रहा है। तो दोस्तों आपके तरफ बहुत सारे और भी जो है मजदूर किसान छात्र जो है फंसे होंगे, इसलिए इस वीडियो को लाइक करने के बाद शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और आप कहाँ पर फंसे हुए हैं कमेंट बॉक्स में हमको ज़रूर बताइएगा, उस पर हमको वीडियो बनाने में आसानी होगी। तो आप सभी को हम इन्फॉर्म करते रहेंगे, इसके लिए आप सभी इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। हमारे नए साथी हैं तो हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बगल वाली घंटी को भी ज़रूर दबा दीजिएगा। दोस्तों अभी तक इस वीडियो को शेयर नहीं किए हैं तो शेयर कर दीजिए, जिससे कि आपके तरह और भी कोई मजदूर फंसे हुए हैं, छात्र फंसे हुए हैं, तो उनको भी हेल्प मिल सके। तो मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।